क्या था वो? वो वहाँ पर हम वहाँ पर जाने के सोच रहे थे। मैं नहीं जा रहा। क्या वी शुड नॉट गो देयर? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मैं और चंदन जा रहे हैं टेरास डैम, जो कि यहाँ भुवनेश्वर के बिल्कुल पास ही है, समझो भुवनेश्वर के अंदर ही है। और अभी यहाँ से वो कुछ 22 किलोमीटर का रास्ता है और आज हम साइकिलिंग करके जा रहे हैं, एक और साइकिलिंग ट्रिप। ओके, तो वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। वेल, तो अभी हम लोग यहाँ खंडगिरी स्क्वायर पर पहुँच चुके हैं। वैसे यहाँ चले तो खुर्दा की तरफ रास्ता है, हम बरुणेई गए थे ना, वहाँ पर रास्ता, और वो वाला ब्लॉग देख लेना बरुणेई का। पहले तो यहाँ पर भयंकर ट्रैफिक हुआ करता था, लेकिन अभी ये फ्लाईओवर बन गया है, बन चुका है, अभी गाड़ी जा रहा है ऊपर, इसीलिए तो नीचे अभी खाली था, कोई मैराथन वगैरह चल रहा है शायद। ओके, तो अभी हम खंडगिरी स्क्वायर से आगे होके चले आए हैं और वहाँ आगे जाने के बाद एक राइट टर्न लेना है सीटी कॉलेज के तरफ, और वहाँ से होते हुए फिर हमको आगे जाना है। वेल, तो अभी हम एक रास्ते में जा रहे हैं गूगल मैप में सर्च करके, पर ये वाला जगह जो है काफ़ी ठंडा जगह है। ये देखो कितना बढ़िया रास्ता है, मतलब इस साइड में पेड़, इस साइड में पेड़, यहाँ पर साइकिल चलाने में मजा आएगा। शहर के अंदर ऐसे पेड़ पौधे छोटे मोटे लगाने चाहिए। और ये देखो सस्ता आईफिल टावर, ये लोग रोड में ही सो गए हैं, बस संभल के जाना पड़ेगा। अब भाई, तो अभी हम चंदका के एरिया में है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हाथी के आने जाने का रास्ता है ये, तो मतलब कभी कभी शायद हाथी और उनकी पूरी टोली भी इस रास्ते से जाती होगी, आज तो नहीं जा रही है। और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, मतलब इतने सारे पेड़ पौधे हैं, घर भी बहुत कम है, एक ही रास्ता गया हुआ है, तो क्लाइमेट तो ठंडा रहेगा ही। तो अभी हम यहाँ पर एक चौक पे है, इसका नाम शायद काटेणी स्क्वायर है, और हाँ ये खाई हुए, तो यहाँ पर जाने से हमारा डेरास डैम आएगा और इस साइड जाने से झुमका डैम आएगा। तो लास्ट टाइम हम झुमका डैम गए थे यहाँ पर, तो अभी हम इस तरफ जाने वाले हैं, चलो। ओके, तो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और यहाँ से आगे चलो तो इधर लिखा हुआ है डेरास नेचर कैंप, तो इस तरफ हमें जाना है अभी। ओके, वहाँ पर भी लिखा है डेरास 2 किलोमीटर, तो इधर जाना है, हाँ यहाँ से लेफ्ट। ओवल, तो अभी हम इस वाले रास्ते से आगे आए और हमको यहाँ से होते हुए यहाँ जाना है, और आगे शायद उस साइड में डेरास से बस 300 मीटर आगे है। और ये देख रहे हैं आप कितना, मतलब कितना ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर, इस साइड में भी और इस साइड में भी, ये सब डेरास डैम के वजह से है, क्योंकि वहाँ से पानी सप्लाई यहाँ पर होता है। तो ये देख रहे हैं पानी आ रहा है यहाँ पर, तो मतलब इतने फसलें लगाया हुआ है इन लोगों ने, बहुत सुंदर है ये। ओके फाइन, तो अभी हम यहाँ डेरास में पहुँच गए हैं, और ये वाला जगह है डेरास और नौका बिहार, गेट बंद है क्या? 8 नहीं बजे हैं अभी तक, 7:30। ओके आधा, ओके चलो, वो उस वाले रास्ता वहाँ पर जो एक था उसमें से घूम के आते हैं, आधा घंटा तो है।
यहाँ पर एक दुकान भी है, चाय मिलेगा वापस आके। रुक 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 रुक, नहीं यहाँ पर पानी मतलब मजा नहीं आ रहा। वो आगे चल, आगे एक ब्रिज है, आगे है आगे, वो देख वहाँ पर एक ब्रिज है। जंगल के अंदर से हम जा रहे हैं अभी। रुको जरा सबर करो। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा यहाँ से वो जगह अच्छे से दिखेगा, वहां पर पानी था जो, लेकिन आगे चले। Yeah. ओके, तो डेरास डैम जो है उस साइड में है, और अभी हम इसके अंदर गए हुए थे, और वहाँ पर वो देखो क्या कर रहा है। और अभी मैंने ये सोचा कि अपना साइकिल लेके वहाँ पर चलते हैं, साइकिल का फोटो शूट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा धूप निकलना शुरू हो चुका है, बारिश नहीं है आज, थोड़ा बारिश हो जाता तो मज़ा आ जाता। ये जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अभी हम लोग इस बीहट से बाहर आके पहुंच चुके हैं, और ये देखिए हमें रास्ता भी मिल गया और हमें हमारा साइकिल भी मिल गया, मजा आया। तो अभी हम यहाँ से सीधा जाने वाले हैं, क्योंकि वो देखो जो ब्लू कलर का वहाँ पर दिख रहा है वो डेरास डैम का मेन गेट है, लेकिन अभी तक भी वो नहीं खुला है। तो अब हम सीधा जाके घूम के आते हैं यहाँ से, फिर वहाँ से रास्ता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस घूम के यहाँ से चलेंगे। नहीं इधर हम गए थे, लेकिन वहाँ आगे बस गांव है और कोई रास्ता नहीं है, हमने सोचा डैम के उस साइड तक रास्ता होगा। तो अभी हम एक राइट साइड का रास्ता था, तो हम ये लेके इधर से आ गए जंगल के अंदर से, और यहाँ पर ओके ये फीस्ट करने के लिए एक जगह है, और यहाँ सामने देखो तो हाँ एक सुंदर सा और छोटा सा झरना है। अभी वहां तक चलते हैं, यहाँ से रास्ता है शायद। ओ ये देखो जैसे स्टेयर केस बने हुए हैं वैसा है ये। वाह ओके, तो अब यहाँ पर पहुँच गए, हमने यहाँ पार्किंग पे साइकिल लगा लिया है, और ये देखो दुकान हमने सोचा था ये खुलेगा लेकिन ये बंद है अभी। तो ये रहा मेन गेट, और हमने यहाँ पर टिकट काउंटर था तो यहाँ पर हमने टिकट ले लिया है। तो वैसे नॉर्मली तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर पर्सन 40 रुपीज़, लेकिन हमने स्टूडेंट आई डी से निकाला तो हमारा दोनों का 40 रुपीज़, मतलब 50% ऑफ हो गया स्टूडेंट आई डी से। ओके, तो ये रहा उसका मेन गेट, चलो फिर चलते हैं अंदर। साइकिल आई होप आते वक्त ये वापस वहीं पर ही होंगे। ओ वाओ गेट कीपर। वेल हमको वहां से चलकर आना पड़ा, साइकिल से आ जाते तो इसमें और मजा आता। और ये देखो सामने रहा डैम, लेकिन अभी सूखा पड़ा हुआ है। मुझे लगा अभी डैम के आसपास पहुंच गए हैं, और इस साइड से एक कौन सा बोर्ड मगरमच्छ, मतलब इसके अंदर मगरमच्छ है, वो बोल रहे हैं बोर्ड लगाए हैं दिख रहा है कि नहीं। ये देखो ये देखो ये देखो होगा शायद अंदर। हम कौन सा पानी में जा रहे हैं, हम तो ऊपर ऊपर से आ जाएंगे।
तो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, लेकिन तो सूखा पड़ा हुआ आधा, बट बहुत बढ़िया हवा चल रहा है यहाँ पर, मजा ही आ रहा है। वहां से हम चल के आए थे, क्या कर रहा है, टिकटॉक बना रहा है। रिवर्स खुदरा जलसेचन प्रकल्प, तो यहीं से ही तो सब होता है। ओ वाह क्या हवा चल रही है, हमें घर से थोड़ा सा ब्रेड ऑमलेट लेके आया था, अभी हम इसको खाने वाले हैं। ओके तो ये लो, और रह गया ये वाला मेरा है, और ये जो हम लाए थे इसको डस्टबिन में डालना है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर मुझे डस्टबिन नहीं दिख रहा, इसको वापस अपने बैग में ही लेके चला सकते हैं। यहाँ पर लिखा है डस्टबिन में डालने के लिए, ना भी लिखा हो तो हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए इसको, तो इसको मैं वापस अपने बैग में डालूंगा। हाँ तो यहाँ से हम अभी चल के चले जाएंगे, ये देखो डैम, क्या पहले यहाँ देखो क्या है, देखो जो हर जगह हमें देखने को मिलता है यार, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। क्यों, मतलब क्यों, क्या हो गया ऐसे लिखने से, क्या था वो, मकड़ो ओ चल मेरे पास मेरा फोन है, चल वो फोन चार्ज कर लेंगे, मैं बंद कर लूंगा ना फोन, अभी फोन में वैसे भी चार्ज खत्म हो रहा है, तो अब बस मैं ये दिखा रहा था उनको, ये देखो ये डैम का नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर सीढ़ी है, ऊपर चढ़ के हम ऊपर जाना है। इसको अभी रोना आ रहा है, इसका फोन है, तो मेरा फोन अभी स्विच ऑफ हो चुका है समझो, तो अभी इससे कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी बंद करता हूँ। ओके खुश, सीढ़ी क्यों है, अभी हम यहाँ बोट के पास जाने वाले हैं, तो इतने निराश क्यों हैं, वहाँ नहीं जा सकते, क्या है इधर लिखा हुआ है नेचर कैंप डेरास, हालांकि ये मिट चुका है थोड़ा थोड़ा, फिर भी हम अंदर चल के देखते हैं। वैसे ये रास्ता थोड़ा मतलब बस भूतिया लग रहा है, नहीं मतलब जंगली लग रहा है, जैसे जंगल सफारी में होता है ना उसी टाइप का लग रहा है, क्योंकि ये देखो दोनों तरफ कार वगैरह मतलब फोर व्हीलर जाके ऐसे दो तरफ भी बना है, पर चढ़ के आया बंदर होगा इसमें। बाय द वे हमारा कैंप आगे है, उसमें ताला भी लगा हुआ है, जा तो नहीं सकते, ये जंगल कुछ ज्यादा ही घना है। ओ, मुगली। जंगल जंगल बात चली है पता चला है। अरे चट्टी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो वापस चलते हैं, तो बंद ही है वैसे, वो बारिश भी आ रही है यार, और भाई तो हम इस वाले रास्ते से आए हैं, वापस इसी में से जा रहे हैं। ओके तो अभी हम वहाँ पीछे उस जगह पर गए थे नेचर कैंप में, लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ था, तो वहाँ से लौट आए हैं, और अभी यहाँ पर
हमने बहुत फोटो शूट कर लिया और फोटो नहीं खींचना है। वैसे भी मेरा मोबाइल का चार्ज अभी 15% पर है, तो जल्दी ही ये ख़त्म होने वाला है। और मैं पीछे देखो तो बारिश बहुत तेज ही आ रही है, अभी आगे कूटने वाला है एकदम से। तो अभी हम वापस चलते हैं यहाँ से, इधर से फिर से चल के मेन गेट तक हमें जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ है, हमें यहाँ से बाहर की तरफ जाना है। तो अभी हम अंदर से घूम के आ चुके हैं बाहर, और हमारा साइकिल भी उस साइड रखा हुआ है, सेफ्टी अभी तक है। तो अभी चंदन वहाँ पीछे की तरफ गया हुआ है और मैं अभी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, फिर वापस आएगा। तो उधर एक आ गया चाय की दुकान, हाँ ये देखो एक चाय की दुकान है यहाँ पर, और यहाँ पर हम चाय पी के फिर वापस निकल जाएंगे घर की तरफ। बारिश भी बहुत ज़ोर से आ रहा है, लगता है रास्ते में ही बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है। सो अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट कोई ट्रिप हो तो। तब तक के लिए बी कूल वॉक स्मार्ट। Thank you.